के उसमें उपस्थित हुए थे। उसके बाद एक दूसरा अवेयरनेस रैली हुई अंधेरी विभाग में, जहां लगभग 5 से 6 हजार बच्चे और नागरिक इकट्ठा हुए थे। इस प्रकार से ये दो और एक्टिविटी आज की आवाज में थी। और उसके बाद आज ये जो एक्टिविटी होने जा रही है वो है अम्ब्रेला फीस डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको पता होगा कि आज की आवाज हर सोशल इश्यूज जो लोगों से संबंधित है, जो लोगों के हित में है, जो लोगों की फायदे के लिए है, उसके लिए मेरी एक कोशिश है कि सारे लोगों को किस तरह से इकट्ठा करें। मेरा बेसिक सोशल काम शुरू हुआ था मौला कमेटी के जरिए, जो आज तक हम कर रहे हैं। 93 में हमने शुरुआत की थी मौला कमेटी के साथ, जिसके चेयरमैन मिस्टर रिवेरो हैं, जो मौला कमेटी के अध्यक्ष हैं। मौला कमेटी का उद्देश्य बहुत ही सिंपल है। उसका उद्देश्य है अमन, प्रेम, शांति अपने विभाग में किस तरह से रखा जाए। इस उद्देश्य के साथ मौला कमेटी स्थापित हुई थी, और उसी उद्देश्य को आगे ले जाने के लिए हमने, चाहे वो एकता मंच के जरिए हम काम करते हैं, चाहे आज की आवाज के जरिए काम करते हैं, मकसद सिर्फ एक है कि किस तरह लोगों को इकट्ठा एक साथ जोड़कर रखें। लेकिन आखिर में उद्देश्य एक ही है, समाज में अमन, प्यार और शांति हमारे भाई चाहे। यही उद्देश्य को लेकर हम लोग चलते हैं, और इसीलिए अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं, जिससे ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह लोगों को जोड़ के रखें। सबसे पहले मेरा हम लोग धन्यवाद कहना चाहेंगे मंगल नगर के सभी ऑफिस बेरर्स को, और खास करके उस्मान भाई को, जिन्होंने इतनी मेहनत लेकर इस कार्यक्रम की तैयारी की थी। लेकिन जैसे कहते हैं, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हमारी पूरे पूरे अच्छी कामनाओं के बाद हम लोग यही कोशिश करते हैं, और सभी सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों ने यही तय किया है कि हम लोग आपकी सोसाइटी में आए, एक एक कार्यक्रम आपके साथ रखें, ताकि आपके सोसाइटी के मेंबरों से मिले और उनको भी हमारे मूवमेंट में जुड़ने की कोशिश करें, ताकि जो ये हमारा पैगाम है अमन और शांति का, ये दूर दूर तक लोगों तक फैले। क्योंकि ये सिर्फ मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, आपके कोऑपरेशन के बगैर मुझे नहीं लगता है कि हम लोग एक इंच भी आगे बढ़ पाएंगे। इसी उम्मीद और साथ की मुझे आप लोगों से जरूरत है। I think once again I thank all the office bearers from different societies for rendering such a helpful hand and helping for this noble cause. रखा है वैसे ही रखेंगे। सर की आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे भी मालूम है मंगल नगर में उस्मान भाई आप थोड़ी रोशनी। नमस्कार, सलाम अलैकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अगर चौकी रहेगी तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, और सर की सुपरविजन में अगर पुलिस चौकी रहेगी और उस पर बराबर प्रॉपर तरीके से कोई ऑफिसर को वहाँ अपॉइंट किया जाए कि बीच की चौकी पे वो अपॉइंट हो, तो मेरे ख्याल से वर्षा भाई हरी रोड के बहुत से मसले हैं जो इस बीच चौकी पे क्लियर हो सकते हैं। और मैं अगर सर के सुपरविजन में और सबकी सुपरविजन में और आप सबकी उपस्थिति में अगर चौकी सर ओके करते हैं और उसका जो भी बनाने का खर्चा पूरा मैं करने को तैयार हूँ, मैं चौकी बनाने को तैयार हूँ जिस तरह के साथ होगी, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी कि साहब चौकी आप बनाइए और उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करिए, ताकि हम सब लोगों को उसमें सहायता भी मिले और हमारी तरफ से जो सहयोग होगा हम सब पूरे एरिए के आपके साथ में। थैंक यू। सभी हाउसिंग सोसाइटीज के चेयरमैन और ये प्रोग्राम के बारे में ये 2-3 दिन पहले बताया गया, तो आगे सर ने मुझे बताया कि सर आपको आने का है, तो मैंने बोला मैं जरूर आऊँगा। उसमें मेरा एक उसका बात भी है, अभी मेरे अजय सर से बात हुई, मुंबई पुलिस और मुंबई महानगर पर इन्होंने मिलके एक स्वच्छता अभियान हमने आयोजित किया है 15 अगस्त तक, मतलब हमारा अभियान चालू हो गया है। और मुंबई में जितने भी 100 के आसपास जो पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, उसका स्टाफ, उनके अमलदार लोग, BMC और आप जैसे लोग, अभी ये अवसर मुझे इतना अच्छा मिला है कि मुझे इधर जाने की जरूरत नहीं। तो आप लोग
अगले हफ्ते में हम एक प्रोग्राम ले रहे हैं, पूरा बीएमसी का स्टाफ रहेगा, आप लोग हमारे साथ में रहेंगे, जितने भी सोसाइटीज है उनके चेयरमैन, उनके वॉलंटियर्स, पब्लिक, पुलिस, ये सब मिलके वर्सोवा क्लीन का मेरा जो सपना है, मैं जब यहाँ पे आया था मैंने पहली बार बोला था क्लीन होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो बहुत से लोगों ने उसको ये किया था और युवा लोग बोले कि गवर्नमेंट ने, बीएमसी ने और हमारे सिटी साहब ने ये प्रोग्राम आयोजित किया और वो हो रहा है, पूरे बॉम्बे में हो रहा है। तो और जो बॉम्बे में जो स्वच्छता हो रही है वैसा अपना वर्सोवा में फर्स्ट नंबर आना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो आप अगर मुझे मदद करते हैं, मेरे लिए वॉलंटियर मेरे साथ में आते हैं, आर्य सर तो मेरे साथ में है, उनके सब जितने भी ये है वो आप मेरे साथ में आना चाहते हैं, ओके। तो अगले हफ्ते में मैं प्रोग्राम का डेट और टाइम डिसाइड करके आजय सर के थ्रू आपको मैं डिस्ट्रीब्यूट उसका ये टाइम देना चाहता हूँ। तो आप लोग सब जुड़ेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वर्सोवा के लोगों में कोई टाइम लग सकता है। तो आप लोगों की मदद से और मुंबई पुलिस, बीएमसी, इनके तरफ से हम जो स्वच्छता अभियान ले रहे हैं उसमें आप लोग योगदान करें और स्वच्छता के लिए आप सब लोग आ गए हैं, क्योंकि अपने जो पत्र प्रधान है मोदी जी, उनका भी एक सपना है कि पूरा भारत वर्ष स्वच्छ रहे, स्वच्छता रहे, इसलिए आप सब लोगों ने आगे आना चाहिए। मैं सबको पुनः एक बार विनती करता हूँ कि उसमें आप सब आगे हो। थैंक यू। सलोका है, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया हुआ है। मुंबई पुलिस पहले से ही मोहल्ला कमेटी के साथ जुड़ी हुई है और उनका काम बहुत ही सराहनीय है। अभी आज ये जो सब लोग आए हुए हैं, एक सामाजिक बादल की जिसको बोलते हैं वो निभाने के लिए, और लोगों का उनके प्रति जो प्यार है, लोगों का उनके प्रति जो संवेदना है, वो ये कार्यक्रम के माध्यम से उभर आती हुई दिखाई देती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, बर्ड वॉचर्स आप तो यहाँ पे आ रही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे डिग्निटरीज यहाँ पर हैं, कितना प्राउड फील होता है जब इनिशिएटिव को इतने सारे लोग अच्छा लगता है कि उद्देश्य पूरा होने जा रहा है, क्योंकि समाज के हर हिस्से से आए हुए लोग इस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं। और बर्ड गुजर साहब का तो हमेशा से योगदान रहा है, जहाँ जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, जहाँ जहाँ लोगों की तकलीफों की समस्या, उन्होंने हमेशा मदद की। आगे आने वाले समय में आपकी आवाज़ को
अनगिनत कार्यक्रम होने जा रहे हैं और जैसे जैसे कार्यक्रम होंगे हम लोग आपको बताते रहेंगे। सर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या आपकी आवाज़ उसके अंदर काम करती है? वुमेन एम्पावर के लिए हमने ये सोचा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं लेडीज़ के लिए, हम लोग उसकी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि फ्री टेलरिंग क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर क्लासेस शुरू कर रहे हैं, इस तरीके से स्किल्ड ट्रेनिंग कैसे दी जाए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे आपकी जुड़ी आपकी आवाज़ के साथ? ये अजय सर का जो एक आज की आवाज़ का जो एक प्रोग्राम अभी लिया गया, वो तो प्रोग्राम एक अपने आप में एक मिसाल है और हमारे साहब की इधर मौजूदगी उससे बड़ा एक और एक मतलब एक अच्छी बात है हमारे साथ में। हमारे जितने भी लोग हैं और जितने वर्सोवा के बिल्डिंग के सोसाइटी के लोग जो हैं वो सब हम एक हैं, एक अच्छा प्यार का, मोहब्बत का और एक अमन का मैसेज जो हमने इधर से दिया है और ख़ासतौर पर छठी घंटे लगे प्रोग्राम का, ये प्रोग्राम एक ऐसा हुआ है कि जिसके जरिए काफ़ी कुछ मतलब पैगाम इधर प्यार का, मोहब्बत का एक जैसे सर ने समझ के लिए दिया है वर्सोवा के विधान को भी अक्सर देखा जाता है वर्सोवा के सारे प्रोग्राम्स में। देखो, हर एक की हर जो नागरिक है उसकी एक सामाजिक बांधिल की होती है। मैं पुलिस में काम करता हूँ तो मेरा भी कुछ दायित्व एक होता है कि समाज के लिए मैं कुछ कर सकूँ और लोगों को की भी एक संवेदना है कि एक पुलिस ऑफिसर लोगों के साथ में आके और लोग क्या क्या कर सकते हैं ये भी हमें दुनिया को दिखाने का। आज तक की आवाज़ जो पिछले एक महीना पहले आया था वो सर कैसे देखते हो, मतलब क्या कॉन्सेप्ट कि आज की आवाज़ बनाने का एक ही मकसद था कि इसमें हायरार्की नहीं है, इसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है और ऑफिस बेरर्स नहीं है, इसमें लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक ही लेवल पे मिलकर काम करें। आज की आवाज़ का ये वर्सोवा विधानसभा इस लोकेशन पे ही काम करेगा या मुंबई लेवल पे भी काम करेगा? वर्सोवा विधानसभा, जैसे हमने आपको कहा कि ये एक एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक भी संबंध नहीं है, ये एक सोशल संस्था है और सोशल संस्था को काम करने के लिए उसके लिए कोई मर्यादा या कोई जगह की सीमित नहीं होती है। आज की आवाज़ की तरफ से अगला कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिए, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको पता होगा कि जैसे जैसे अभी प्रियंका टिमेंस ने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पे एक एनिमल पार्क हुआ करता था जो कि एनिमल पार्क बंद हो चुका है और यहाँ के लोगों की एक मांग है कि एक एनिमल पार्क इस इलाके में हो जहाँ से जैसे छोटे छोटे पेट्स हैं उनको घुमाने के लिए एक सुविधा हो। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल लवर्स हैं इस इलाके में जो चाहते हैं कि एक पेट पार्क इस इलाके में हो, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम किस तरह से अपना निवेदन अथॉरिटी तक पहुँचाएँ।